नमस्कार, तो हमारी मौजूदगी है इस समय दोहरी घाट में। पिछले लंबे 5 साल के इंतजार के बाद जो वो घड़ी है वो अब धीरे धीरे करीब आ रही है। कुछ ही देर के बाद यहाँ से एके शर्मा हरी झंडी दिखाएंगे और इस ट्रेन को दोहरी घाट से मऊ के लिए रवाना करेंगे। आपको बताते चले कि पिछले 5 सालों से इस रूट पे काम चल रहा था और इस ट्रेन को दौड़ाने के लिए तमाम ऐसे कार्य किए जा रहे थे, मगर अब कुछ ही देर के बाद अभी मंच पे जो तस्वीरें हैं मैं चाहूंगा कि एक बार दिखाएं। मंच पे भी जो मुख्य अतिथि है ऊर्जा मंत्री एके शर्मा पूरी जनता को ऊर्जा भर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए कि ट्रेन है। आप तीसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि ट्रेन है वो पूरी तरह से धुल चुकी है और इसके बाद यहाँ से रवाना होगी। तमाम लोग हैं, तमाम नेता हैं, तमाम समाज सेवी हैं यहाँ पे पहुंचे हैं। उन लोगों से बातें करें और जाने कि कैसा लग रहा है। ये लंबे समय के बाद 5 साल हो गया दोहरी घाट से इस रूट पे ट्रेन को दौड़े हुए, आज कुछ देर के बाद दौड़ेगी, कैसा लग रहा है आपको? माननीय मंत्री जी के प्रयास से ये ऐतिहासिक कार्य हुआ है, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। माननीय पूर्व के रेल मंत्री भारत सरकार मनोज सिन्हा जी द्वारा इसका नींव रखा गया और आज ये पूरी तरह से ट्रेन चलने के लिए तैयार है। हम बहुत बहुत भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, रेल मंत्री अश्विनी जी और हमारे क्षेत्र के ही रहने वाले वर्तमान में ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री श्री एके शर्मा जी का बहुत बहुत पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं इस ऐतिहासिक कार्य के लिए। क्या सुविधाएं मिलेंगी अगर ये ट्रेन चल रही है दोहरी घाट से मऊ के लिए? तो लगभग हमको लगता है कि 10 से 12 वर्ष पहले जो है यहाँ की बड़ी ट्रेन को रोककर छोटी ट्रेन और फिर छोटी ट्रेन को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद यहाँ की विकास की जो पहिया है वो पूरी तरह थम गई थी। उस पहिया को दबाने के लिए माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी पूर्व में मंत्री रहे रेल, उनकी बहुत ही अथक प्रयास है, बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों को दी है, बहुत बड़ी एक सौगात दिए हैं जिसको आज एके शर्मा जी हम लोग के हवाले करेंगे हरी झंडी दिखा करके। और भी लोग हैं, उनसे भी बातें कर लिया जाए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? ट्रेन कुछ ही देर के बाद अब रवाना होगी हरी झंडी दिखा करके, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। देखिए ना, यहाँ पे सेल्फी वेल्फी भी हो ही रही है। आइए भैया, सेल्फी ले रहे हैं तो इनसे भी बतिया ही लिया जाए, सेल्फी भी ले रहे हैं उनसे बातें भी करें, कैसा लग रहा है कुछ देर के बाद? बहुत बहुत अच्छा। माननीय मंत्री जी का हम लोग सम्मान तहे दिल से कर रहे हैं। जब से मऊ जनपद के माननीय मंत्री जी हुए हैं और दिन प्रतिदिन विकास की धारा बहाए जा रहे हैं। मंत्री जी कहते भी है कि हम कल्पना करें दूसरा रूप है, तो क्या लग रहा है, दिखता भी है उनमें? बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मंत्री जी जब से आए हुए हैं और दिन प्रतिदिन शहर से देखिए जिले के कोने कोने में, मऊ जनपद के कोने कोने में, अन्य जिलों में भी दिन पर दिन विकास की धाराएं बहा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और लोग एकदम उत्सुकता है। यहाँ पे देखिए पूरे विधायक घोसी के पूरे विधायक यहाँ पे मिल गए हैं। आइए थोड़ा उनसे भी बतिया लिया जाए और आ जाइए। तो घोसी के पूरे विधायक यहाँ पे विजय राजभर जी भी है, आइए बात करें उनसे। लंबे समय के बाद 5 साल हो गया ट्रेन बंद थी, आज जा रही है दौड़ने हरी झंडी दिखाने के बाद, कैसा लग रहा है आपको और क्या सुविधाएं मिलेंगी अगर यहाँ से दौड़ेंगे? देखिए 5 साल नहीं हुआ, हमें लगता है कि एक पीढ़ी भूल गई कि यहाँ ट्रेन में चलती थी और ये वही दोहरी घाट है जहाँ से पूरे भारत में यहाँ से व्यापार रेल मार्ग के द्वारा होता था, लेकिन इस पर नजर मोदी जी की पड़ी है और आमान परिवर्तन उन्होंने किया है। एक पीढ़ी जो भूल चुकी थी रेल को देखना बंद कर दी थी, दूर से जाकर के उनको यात्रा करनी पड़ती थी, अब यहाँ से अभी आज ये डेमो की शुरुआत है, लेकिन आगे भारत के कोने तक जहाँ जहाँ भी भारत के कोने कोने में लोग रहते होंगे दोहरी घाट की धरती जाने का काम करेंगे और लोगों में बहुत ही प्रसन्नता का ये आप भाव देख सकते हैं। क्या सुविधाएं मिलेगी क्षेत्र को अगर ये ट्रेन यहाँ से चल रही है मऊ के लिए? तो क्षेत्र को आप देख सकते हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, व्यापार में, हर प्रकार के जो भी सुविधाएं मिलती हैं देश विदेश जाने के लिए सारी सुविधाएं यहाँ से मिलेंगी। आप पूरे विधायक रहे हैं क्षेत्र के लिए, लगातार देखा जाता है घोसी विधानसभा के लिए लगातार आप जागरूक रहते हैं, मुद्दों को उठाते रहते हैं। इंदौर का जो पश्चिम केबिन है वहाँ पे जब पटरियों का संचार बढ़ाया गया है तो वहाँ पे अब घंटों घंटों जाम लग रहा है, उसके लिए विजय राजभर जी क्या प्रयास करेंगे आने वाले समय में? देखिए ऊपर गामी ब्रिज के लिए उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसमें ट्रांसपोर्टिंग का जो रेल ट्रांसपोर्टिंग मार्ग था उसमें कमी थी, अब जाकर उसको फिर से रिपोर्ट होगी, हम लोग आगे प्रयत्न में है उसके ऊपर गामी ब्रिज बनेगा।
और भी लोग हैं, इनसे भी बातें कर लिया जाए, कैसा लग रहा है? ये घड़ी अब आ गई है, धीरे धीरे कुछ समय बस बाकी रह गया। बहुत मऊ जनता को बहुत उत्साह है और माननीय के शर्मा जी पे विश्वास है। जो विकास की गति जो धीमी हो गई थी के शर्मा जी के आने की वजह से मऊ का विकास की गति तेज हो गई है। कहाँ से आना हुआ? मोहम्मदाबाद गोहाना से आए हैं, भाजपा में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। आज यहाँ दोरीघाट से मऊ के लिए ट्रेन जा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत जनता सुविधाएं मिलेंगी, जनता को बहुत काफी सुविधा मिलेगी। इससे काफी दिनों से बंद थी, जनता की मांग थी और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए माननीय के शर्मा जी ने बहुत काफी प्रयास किया है। इसलिए आज जनता बहुत काफी उत्साहित है और काफी संख्या में आए इकट्ठी है। यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई हो और काफी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए हम सब पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और तो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनका कहना है कि ये ट्रेन चलेगी तो क्षेत्र का विकास होगा और कहीं ना कहीं लंबे समय से जो ट्रेन बंद थी इन लोगों को परेशानी हो रही थी, अब जो हरिघाट से मऊ जाने के लिए जब ट्रेन जाएगी तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट का जो बस से जाते थे, जो लोग गाड़ी से जाते थे, जो सड़क मार्ग से जाते थे, अब वो स्टेशन से जाएंगे तो कहीं ना कहीं सुविधा भी मिलेगी। अब बने रहिए हमारे साथ और भी हम लोगों से बात करते रहेंगे और आपको खबरें दिखाते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज़ में। संजय नमस्कार। काम कर रही।